दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं राजस्थान की उस राजनीति को लेकर कि जो इस समय बहुत गर्म है। चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, चुनाव परिणाम आना है 3 तारीख को, और कल 30 तारीख को जब तेलंगाना के लिए मतदान हो रहा होगा, शाम को 5 बजे के बाद तमाम टीवी चैनल पर आप देखेंगे कि तमाम टीवी चैनल एग्जिट पोल लेकर के आ जाएंगे। इस समय जबकि कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं आ रही, कोई सट्टा बाजार नहीं बोल रहा, लेकिन राजस्थान की राजनीति बहुत गर्म है। राजस्थान की राजनीति गर्म है, आप कहीं चले जाएं, हम राजस्थान में नहीं हम हरियाणा में बैठे हैं, लेकिन आप कहीं चले जाएं, किसी शादी समारोह में हो, किसी विवाह समारोह में हो, कहीं चाय की दुकान हो, कहीं चाय का नुक्कड़ हो, पनवाड़ी का खोखा हो, कहीं पर भी हो, चर्चा हरियाणा के अंदर राजस्थान की हो रही है। खासकर राजस्थान के साथ लगते हुए जिलों के अंदर, यानी कि अगर भरतपुर और अलवर के साथ लगते जिले हो, नूह हो या पलवल हो, आसपास के जिलों में आप कहीं खड़े हो जाएं, तो चर्चा केवल राजस्थान की है कि राजस्थान में क्या होगा। राजस्थान के अंदर भले ही फिलहाल तक जो तमाम सट्टा बाजार थे, फलौदी का सट्टा बाजार भले ही कहता रहा कि कभी कहता रहा कांग्रेस अप हो रही है, कभी कहता रहा भाजपा अप हो रही है, लेकिन जो वहां के जो हवाएं बता रही हैं वो कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर हंग असेंबली आ रही है। राजस्थान के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि 2018 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर राजस्थान में 26 सीटें ऐसी थी कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हारे थे। 26 सीटें ऐसी थी कि जहां से चुनाव जीते थे या तो इंडिपेंडेंट थे और या छोटी पार्टियों के लोग नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के थे, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के थे, ये तमाम नेता चुनाव जीत गए थे। पूरी 100 सीट मिली थी कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी की सीट रह गई थी 74। हालांकि जो राजनीति के भी बाजीगर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जुगाड़ करके अपने लिए बहुमत का इंतजाम कर लिया था, एक ही सीट कम थी। लेकिन सचिन पायलट बीच में नाराज हो गए थे। जब सचिन पायलट भारत दर्शन पर अपने साथियों को लेकर चले गए, तब भी आप मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में मिला करके और आजाद और जो अन्य विधायक थे उनका साथ जुगाड़ बिठा करके ऐसा तालमेल बिठाए रखा अशोक गहलोत ने कि सरकार 5 साल चलती रही। और अब जब 2023 का चुनाव हो चुका है, 2023 के लिए राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर, एक सीट पर क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था तो वहां चुनाव नहीं हुआ, 199 पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और अब 3 तारीख को मतगणना का इंतजार है। लेकिन सबकी नजरें लगी हैं कि राजस्थान आखिर करेगा क्या, और जिस प्रकार से अशोक गहलोत के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से अशोक गहलोत बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों के टच में है, उनके संपर्क में है, उससे तो लगता है कि अशोक गहलोत को लगता है कहीं कोई बात बन रही है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार रानी वसुंधरा राजे ने निर्दलीय और जो बागी प्रत्याशी थे कांग्रेस बीजेपी के, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत मजबूत है, उनके टच में है, तो उससे भी लगता है कि वहां पर भी रानी साहिबा को भी लग रहा है कि मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो भाजपा की मजबूरी बन जाएगी उनको आगे करना और उनको जुगाड़ कर लें। और कुछ एक अलग रास्ते के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो अगली सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, वो सरकार बनेगी अशोक राजे की। समझ रहे होंगे आप, अशोक राजे का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण वह सचिन पायलट हैं, तो वसुंधरा राजे के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मोदी शाह नड्डा की जो तिगड़ी है, वो जिस प्रकार का चुनाव के दौरान माहौल रहा उससे लगा कि वो चाहेंगे नहीं कि वसुंधरा राजे आगे हो जाएं। और इसलिए राजस्थान की तरफ सबकी निगाहें हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि सबसे पहले तो देखना यह है कि कौन सी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, मेजोरिटी मिलती है या नहीं मिलती, हंग असेंबली रहती है, हंग असेंबली रहती है तो कौन सी पार्टी की सीटें ज्यादा आती हैं, उसके बाद में क्या रहेगा जो निर्दलीय और जो पार्टियों के बागी प्रत्याशी हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर हम बात करें अपने हरियाणा के साथ लगते जो अलवर भरतपुर जिले की सीटों की, तो उसके अंदर एक कामा की सीट है, कामा की विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग ये कह रहे हैं और वहाँ की जो हवाएं बता रही हैं और जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं,
वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मतदान हुआ था और जिस प्रकार मतदान से पहले का माहौल था, लगता है कि कामा से चुनाव जीत सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी सीए मुख्तियार। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी की नौकशम चौधरी और कांग्रेस की जाहिदा हैं, लेकिन हम भी वहां चुनाव प्रचार के दौरान गए थे और हमने आपको बताया भी था, और वाकई जो वहां का माहौल दिखता था चुनाव से पहले का और मतदान के बाद का, हवाएं कुछ ऐसा कहती हैं कि कम से कम मुख्तियार बहुत मजबूत मुकाबले में है। और अगर हम बात करें नगर सीट की, तो नगर सीट से पोसवाल साहब बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पोसवाल 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं और अब की बार लोगों की उनके प्रति पूरी सिंपथी थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से वो चुनाव लड़े। और लोग ये भी बता रहे हैं कि रानी वसुंधरा राजे का चुनाव यानी कि मतदान से पूर्व से ही पोसवाल साहब के साथ में बातचीत चल रही थी, चाहे वो उनकी किसी प्रकार की मदद करने की बात हो या जो कुछ भी हो। अब अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब तो ये तय हो गया कि अशोक गहलोत भी और वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिन सीटों पर निर्दलीय या बागी प्रत्याशी मजबूत थे उनके संपर्क में थे। और जो मैंने आपको बताया कि जो जिस प्रकार के जो हवाएं बता रही हैं, संकेत दे रही हैं, वो तो कुछ ऐसा दे रही हैं कि अब की बार राजस्थान के अंदर जो निर्दलीय और बागी बड़ी संख्या में चुनाव जीत सकते हैं। और अगर ऐसा होता और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, क्योंकि राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, मान लीजिए कि अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और जुगाड़ से भी बात नहीं बनती, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यानी कि जो केंद्र सरकार है, मोदी और अमित शाह का जो नेतृत्व चल रहा है देश के अंदर, जेपी नड्डा का जो नेतृत्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो एक पुरानी कहावत है कि राजस्थान के अंदर एक रिवायत चली आ रही है एक एक बार करके सरकार बदलने की, और दूसरी एक रिवायत चली आ रही है कि कांग्रेस को वहां पर कभी बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली, कांग्रेस कभी 100 के आसपास ही रह जाती है और कई बार उससे नीचे होती है जब सरकार बनती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बम्पर मेजोरिटी मिलती है। और अब क्योंकि पिछले दिनों तक कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुखिया थे, और सरकार का मान लीजिए कि चुनाव के अगर पहले के 3-4 महीने छोड़ दें तो उससे पहले विरोध भी खूब था। प्रधानमंत्री मोदी गए हों, चाहे अमित शाह गए हों, चाहे भाजपा के तमाम नेता गए हों, उन्होंने वो सारी बातें उठाई, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर जो राजस्थान के अंदर थी। और अगर ऐसे में भी कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता या सरकार नहीं बन पाती, तो फिर हमने पहले ही कहा कि मोदी शाह नड्डा के जो नेतृत्व को, जो तिगड़ी का नेतृत्व चल रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। और अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में वहां कांग्रेस जीत जाती है तो फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, अशोक गहलोत की और ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन परेशानी अशोक गहलोत के साथ भी कुछ ऐसी है कि अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी बन जाती है या कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, और क्योंकि सचिन पायलट के साथ भी कांग्रेसियों का जो पुराना हिसाब किताब रहा था, कहीं वो आड़े आता है तो फिर गहलोत साहब की चिंता है। इसलिए मान लीजिए कि चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे गहलोत साहब हो, मिलजुल करके दोनों जो निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के टच में जरूर हैं। और इसके अलावा जो वहां के जो राजनीतिक लोग कहते हैं, और जिस प्रकार का फलौदी सट्टा बाजार कहता रहा कि अगर वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं बनाया या आगे नहीं किया सीएम के लिए, तो फिर रानी कुछ और खेल कर सकती हैं। क्योंकि अब 3 तारीख तक चुनाव परिणाम का इंतजार है, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएगा तब तक ये सारी चर्चाएं रहेंगी। और कल 30 तारीख को जब तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो अपनी एग्जिट पोल देंगे, तो उसके बाद में ये चर्चाएं और ज्यादा हो जाएंगी। तो हमने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान के अंदर मिला जुला जो माहौल सामने आ रहा है, कुछ में ये लगता है कि भाजपा को बहुमत मिल सकता है, कुछ कहते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, कुछ कहते हैं कि निर्दलीय और बागियों के हाथ में सत्ता का सामंजस्य रहेगा, यानी कि निर्दलीय और बागी तय करेंगे कि सत्ता किसकी हो। कुछ ऐसा कहते हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कोई नई खिचड़ी पका सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब में से क्या हो सकता है? क्या भाजपा बड़ी पार्टी बनेगी? क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी? क्या निर्दलीय और बागी वहां पर एक नया खेल करेंगे? और या फिर क्या वसुंधरा और रानी, यानी कि रानी वसुंधरा और अशोक गहलोत, ये कोई नया नाटक कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।